नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर देश भर में राजनीतिक दलों के नेता विरोध कर रहे हैं। वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल चीफ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने नागरिकता संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। खबरों की माने तो तेजस्वी ने कहा कि हम नागरिकता संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करेंगे, ये एक ऐसा बिल है जो देश को विभाजित करेगा, हम इसके सख्त खिलाफ लड़ेंगे। तेजस्वी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर तंज कसा और कहा कि नीतीश ने बिल का समर्थन करके बिहार की जनता को एक बार फिर धोखा दिया। नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस से डरते हैं, ये कहना था तेजस्वी यादव का। एक बार फिर बिहार की राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है। लगातार अगले साल होने वाले चुनावों से पहले नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, लेकिन तेजस्वी का ये बयान नीतीश को शायद अच्छा ना लगे। वहीं नीतीश की पार्टी में भी इस पूरे विधेयक को लेकर दो फाड़ देखने को मिली है। प्रशांत किशोर जहां इसके समर्थन में नहीं है, वहीं नीतीश कुमार इसे समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि बिहार की सियासत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करके जरूर बताइएगा। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।